हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एम ई थ्री एंड हाउ टू क्लियर एम ई थ्री सो एम ई थ्री की जब हम बात करते हैं दिस इज ब्रिटिश नॉवल एंड दिस एम ई जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी आल्सो बिकॉज टोटल नाइन नॉवेल्स आर दे एंड द वे ऑफ एग्जामिनेशन एंड द वे ऑफ Asking questions in the examination is very easy. They ask, uh, attempt any five questions out of all. So, total number of questions are nine. Majority of time, the question number of question are nine, and you have to attempt any five questions. So, uh, keep a point of view on the novels also. The total number of novels is nine. So, out of nine novels, you have to attempt uh, nine novels, honge, nine questions, and questions are ki attempting kitni hai? five. तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन अ लेस टाइम और बेस्ट प्रिपरेशन सो आई कैन सजेस्ट दैट कि अटेम्प्ट और कवर एनी सेवन नोवल इन अ बेस्ट वे एनी सेवन वट एवर यू वॉन्ट एनी सेवन योर फेवरेट सेवन नोवल्स स्किप कर सकते हैं आप दो नोवल्स को वह बिकॉज टोटल अटैम्पटिंग आपको फाइव ही करनी है harik noble equation contain karta it means total number of nobles are 9 and total number of questions are 9 each and every noble contain one question a single question so if you uh, complete any 7 nobles in a better way in a best way then you will be able to handle questions very easily and grasp the mask uh, marks according to um, 60% 70% or more than that सो so, मार्क्स का तो इम्पॉर्टेंट होता ही आपको पता ही होगा तो इसीलिए हम बात करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है वो हमेशा किससे रिलेटेड आ जाता है जो फर्स्ट नोबल टॉम जॉन से है तो उससे रिलेटेड आ जाता है वैसे इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वट डू यू मीन बाय द फ्रेज ऑफ फिक्शन एज अ हिस्ट्री नेक्स्ट इज़ ये जो फिक्शन एज अ हिस्ट्री ये जो क्वेश्चन आप, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से पूछा गया है तो ये जो नोब no क्वेश्चन है दिस इज आस्किंग फ्रॉम टॉम जॉन्स नेवल जिसको लिखा है हैनरी फील्डिंग जी ने तो उसमें फिक्शन एज ए हिस्ट्री को प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से जो टॉम जॉन्स उसका जो पास था वो डेवलप हुआ था उसी चीज़ को प्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द टाइटल एंड नरेटिव टेक्निक्स ऑफ प्राइड एंड प्रिजडीज सो प्राइड एंड प्रिजडीज की नरेटिव टेक्नीस को लेकर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी सिर्फ टाइटल को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइड एंड प्रिजडिस से एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मैरिज सिस्टम को लेके भी आ जाता है बिकॉज कंप्लीट नोबल इज मूव्स अराउंड द मैरिज सिस्टम ऑफ ऑफ हर डॉटर्स सो ये वहाँ से आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लोकेशन एंड सेटिंग ऑफ वदरिंग हाइट्स वदरिंग हाइट्स से एक लोकेशन एंड सेटिंग को लेकर क्वेश्चन आता है कभी कभी एक्सप्लेन द नरेटिव टेक्नीस ऑफ वदरिंग हाइट्स नगेटिव टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सोच रहोगे कि मैंने जब मैं डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे उसके साथ एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है वो इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है नगेटिव टेक्निक से आ जाए और इसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो सेटिंग है इसका जो लोकेशन है वो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फेयर डिटेल्स ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन की हाउ ग्रेट एक्सपेक्टेशज जस्ट लाइक अ फेयर डिटेल्स बिकॉज ग्रेट एक्सपेक्टेशन में uh, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इसका प्रोटोकॉनर्स है वो यही सोचता है कि जो उसकी हेल्प है वो मिस हैविस कर रही है बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता वो इसकी एक सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं सो so, इसी इवेंट्स को इसमें एलाबोरेट करना है एक्सप्लेन करना है सो so, आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने फोर क्वेश्चंस कंप्लीट किए और ये चारों जो क्वेश्चन हैं वो नॉबल नंबर वन टू थ्री फोर से पूछे गए हैं मीन्स पर नॉबल पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट इज जॉर्ज एलियर डिपिक्ट सोसाइटी एट मिडल मार्च सो मिडल मार्च में जॉर्ज एलियर ने किस तरीके की सोसाइटी को एबोरेट किया है ये आपको लिखना है जॉर्ज uh, एलियट एक्सपेल द सोसाइटी ऑफ वेयर ही लीव्स किस तरीके के वहाँ पे लोग हैं किस तरीके का उनका मेंटल लेवल है किस तरीके के उनके काम है इस चीज़ को उन्होंने मिडल मार्च में शो किया मिडल मार्च जो कि एक नॉबल है और किस तरीके से वो अपने करेक्टर्स के बीच में उनका रिलेशन प्रेजेंट करती है ये सारी चीज़ें आपका इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द कमेंट ऑन द डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन हार्ट ऑफ डार्कनेस कॉन्ड्स कॉन्ट्स ने लिखा था द हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड ये बहुत फेमस नॉवल थी जिसमें उन्होंने अफ्रीका के ब्लैक पीपल की सिचुएशन को एक्सपेक्ट किया था तो इसमें बताना है डिपिक्शन ऑफ वुमेन द सिचुएशन ऑफ वुमेन हाउ दे रिलीव एंड हाउ दे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द वुमेन सो बेसिक डिफ्रेंस इज बिटवीन मैन एंड वुमेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड द ड्यूटीज़ एंड डिपिक्शन ऑफ मैन एंड वूमेन सो इन इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इसमें एलेबोरेट करनी है एंड द क्वेश्चन इफ हार्ट ऑफ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्ट ऑफ डार्कनेस से ही कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो फाई दिस नावल इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ डार्कनेस और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ़ द नावल द हार्ट ऑफ द डार्कनेस सो इट मीन्स टाइटल को लेके टेक्निक को लेके ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं राइट right, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं जो कि आपके नए और पुराने दोनों चैनल्स पर आप विजिट कर सकते हैं नेक्स्ट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट एट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन फोस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन पैसेज टू इंडिया कि जो ई एम पोस्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से ई पैसेज टू इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड हाउ ही मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन हिज करेक्टर्स एज वेल एज सिचुएशन ऑन द प्लेसिस इन इंडिया सो एक सोशल एरिया को प्रेजेंट किया है किस तरीके से उन्होंने अपने करेक्टर के थ्रू करेक्टर्स करेक्टर्स से की हेल्प से इंडिया की जो प्लेसेस हैं या जो रिलेशनशिप था वर्ट पीपल का इंडियन पीपल के साथ या फॉरेनर पीपल का इंडियन पीपल के साथ या फिर जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल था जो उनका थिंकिंग आइडिया था वो सारा एक्सप्रेस किया गया है इस नावल के अंदर तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएँगी अगर आपको क्वेश्चन मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रही हूँ ताकि तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं नोवल की समरी और रिलेबोरेशन दे कैन अंडरस्टैंड और कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद द नोवल अगर आपने अभी तक नोवल की समरी को कंप्लीट नहीं किया तो वो कहाँ मिलेगी चैनल के पुराने चैनल पे जो पुराना सक्सेस मेकर का चैनल है आप वहाँ जाएंगे एम ए जी थ्री की प्लेलिस्ट में आपको जितनी भी नोवल्स हैं नाइन नॉवल्स आपको मिल जाएंगी साइड बाय साइड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ़ एमए जी थ्री, की थ्री की नए चैनल पे भी इसका कुछ काम है आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज जो लास्ट नोबल है वो आपकी क्या थी द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी और इसका क्वेश्चन क्या आ जाता है राइट ए करेक्टरस्टिक्स ऑफ करेक्टराइजेशन ऑफ प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी तो इसमें किस तरीके से मिस जीन ब्रूडी ने अपने स्कूल में एक ब्रूडी सेट प्रिपेयर किया था और उनका जो मैक्सिमम तो फोकस था वो ब्रूडी सेट पे ही था तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल गर्ल्स एंड ब्रूडी सेट्स एंड व्हाट्स द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूडी सेट्स और जीन ब्रूडी एंड व्हाई ही सेलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स टू प्रिपेयर दम फॉर फ्यूचर फ्यूचर प्लानिंग और दो पॉइंट ऑफ व्यू था मिस ब्रूडी की गर्ल्स का वो किस तरीके के था किस तरीके से था मिस ब्रूडी के साथ सो so, ये सारी चीज़ें भी आएंगी इसके अंदर साइड बाय साइड इसके अंदर uh, उस टाइम का जो मोमेंट्स था किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे जो यंग वंस थे वो किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रहे थे ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी एक आ, जो नोवेल है वो उसके जो करेक्टर्स हैं वो आपस में क्रिटिक करते हुए नजर आते हैं एक दूसरे को ये इसका एक स्पेशल करेक्टराइजेशन है आ, क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टर्स बनाए गए हैं वो एक दूसरे की सिचुएशन को एक्सपेल करते हैं उस टाइम की सिचुएशन को एक्सपेल करते हैं साइड बाई साइड दो नेशनल मोमेंट्स चल रहे थे उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्टर एंड द कम्युनिकेशन राइट तो ये जो नाइन क्वेश्चंस हैं हमारे वो कंप्लीट होते हैं मैंने इसमें सिर्फ नाइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं साइड बाई साइड मुझे जहाँ लगा जैसे कि वदरिंग हाइट से नैरेटिव टेक्निक्स आप कर लीजिएगा प्राइड एंड प्रजडीज से मैरिज सिस्टम के ऊपर भी पूछ लेते हैं जो फर्स्ट नॉवल है आपकी टॉम जोन्स वहाँ से भी आ, पूछ लिया जाता है मैरिज सिस्टम को लेके तो ये साइड बाय साइड जो चीज़ें मुझे लगी कि इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है मैक्सिमम uh, सारे ही टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट फोर फाइव ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे से कर लीजिए उनके क्वेश्चन को कर लीजिए बिकॉज जो इग्नू है उसका सेवेंटी टू एटी परसेंट पेपर्स प्रीवियस ईयर से आता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपने अगर फोर फाइव इयर्स के भी क्वेश्चन पेपर देख लिए फोर फाइव तो छोड़ो अगर आपने दो तीन साल के भी देख लिए ना तो उसमें से भी आपको कई क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में एज अ टीचर एज अ गाइड एज अ फ्रेंड आई कैन सजेस्ट यू फॉलो करना ना फॉलो करना आपके ऊपर है बट मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोडेड है चैनल पे अगर आपको गूगल पे नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं आपको सेवनटीन एटीन नाइनटीन के पेपर मिल जाएंगे ठीक है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है कहीं कुछ इशू है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरी और आंसर यू वो एवर यू आस्क मी सो so, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है एम वन से लेकर सिक्सटीन तक ऐसे ही काम चलता रहेगा नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स वहीं पे अपलोड होंगे तो अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू